जी माशाल्लाह जी भाई जोरदार तालियां जी जिंदाबाद चौधरी गुलाम रसूल जाट साहब मुबारक सब शिंदे दबा भी पाओ डीपीओ साहब बहादुरी दरबार काबिल इज्जत मेला होता है पाकिस्तान में जजीरा लैया का मशहूर मेला है आठवां मेला है जिसे कहते हैं थल जीप रैली मेला और हम तो आए पहली बार हाँ पहली बार आए वाला लेकिन भाई लोग देख रहे हैं देखें मजा आ रहा है हमें हर साल ऐसे स्कूल ट्रिप आते हैं जी 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 यूनिवर्सिटी से आए हैं फैसलाबाद जी यूनिवर्सिटी से आए हैं और आगे जे कौन सी है जे बी जी सी है जी सी यूनिवर्सिटी से आए हैं और देखें भी बड़े इधर बहुत ज़्यादा पब्लिक है इतना रश है और देखें भी बड़े और दूसरी साइड जो रास्ता था ना वो ऐसे मतलब उधर ट्रैफिक ज़्यादा थी रश ज़्यादा था उन्होंने ना गुजर वो गुजर नहीं दे रहे थे मतलब रास्ता ना गुजरा ही नहीं जा रहा था तो फिर हम दूसरी साइड से जहाँ पे कोई भी नहीं गुजरा था मतलब पीछे थे हम आ रहे ये देख के हमारे साथ क्या हो रहा है गाड़ी भी आ गई हमने देखा वो भी जा रहा तेरे पीछे उतरते हैं सारे खाओ मछली बहुत देखो गाइस हमारे पंप सारे खराब हो गए बस वो देखे तंबू वगैरह लगे हुए ना हम उनसे ना काफ़ी दूर खड़े हैं हम पहुंच नहीं पा रहे लगता है हमें ना पैदल حديث بعده
صدق الله العظيم جزاك हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद हाँ हजूर गुलहाय अमीदत पेश करने के लिए मैं दावा दूंगा कौन कौन चाहती है फंक्शन हो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लाजमी लिया जाता है क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है ना, तो इसलिए हम उनकी हम्द और सना बयान करते हैं। जहाँ भी हो वहीं से भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं सर आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है मेरी हर सांस उन मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं मुजफ्फर जब किसी में फिल्म में उनकी नात पढ़ता है मुजफ्फर जब किसी में फिल्म में उनकी नात पढ़ता मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते जो घोड़े हैं ना वो
मुकाबला बाकी है, वो ज्यादा स्पीड से भागेगा, वो विन होगा। वो नीचे जमीन में ना उसने लकड़ी लगाई हुई है, वो जो घोड़े ना भागते ना वो स्पीड से लकड़ी को जमीन से ना खींच के ले जाते हैं, मतलब वो जो ऐसे खींच के ले जाता है ना लकड़ी को स्पीड से, वो विन हो जाती है टीम। ये देखिए अब फिर आ गया, वो ले गया। देखिए वीडियो हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बासानी मिल सके। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ताज़ा रखिएगा अपना ख्याल।